कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था कि 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी, कम हो जाएंगे 1 लाख रुपए हाजिरों को हज करने। ये बहुत बड़ा जुमलेबाज है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में जुमलेबाजी में महारत सबको हासिल है, लेकिन सबसे बड़े जुमलेबाज अगर कोई है तो मुख्तार अब्बास नकवी। 1 लाख रुपए की बात कह के हाजियों को खुश कर दिया, मुसलमानों में एक मैसेज दे दिया, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं हुआ बल्कि 23,000 रुपए और बढ़ गए। और इन्होंने कहा था कि पानी के जहाजों से भी हाजी लोग जाएंगे, तो हमें लगता है पानी के नहीं, वो जहाज रेत में चल रहे हैं कहीं पर। आज तक एक भी पानी का जहाज की कोई बात ही नहीं हो रही है, हाजी अब पानी के जहाज से नहीं जा पाएंगे। तो ये जुमलेबाजी करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं हर मामले में, और पूरा देश परेशान है आज महंगाई की मार से, और हाजियों पर भी महंगाई की मार इन्होंने डाल दी, लेकिन लगातार झूठ बोलते रहते हैं। अभी कितना बड़ा झूठ है, अगर 1 लाख रुपए का एक केंद्रीय मंत्री बयान दे रहा है कि हाजियों के किराए में 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। और अगर इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हो और आज झूठ साबित हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक केंद्रीय मंत्री जिस पर पूरा देश विश्वास करता है, वो विश्वास खत्म हुआ है। ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से।